मुस्लिम समाज गुना में विभिन्न तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेने वाली युवाओं को समाज हित के लिए लगातार शहर में नई जिम्मेदारियां दी जा रही है, जिससे वो समाज हित में और बेहतर कार्य कर सके, वो समाज जनों को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर रहे। इसी तारतम्य में शहर काजी गुना नुरसुल्ला यूसुफजई के अनुशासन पर हाफिज यूसुफ रजा को नायब शहर काजी नियुक्त किया गया है। वही जिला वक्त कमेटी सदर रईस खान के अनुशंसा पर जिन घर मस्जिद कमेटी के सदर शहदान भाई को जिला वक्त कमेटी में नायब सदर के पद पर नियुक्त किया गया है। दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज के प्रति तन मन और धन से समर्पित रहने की बात कही। उक्त दोनों ही नियुक्तियों से समाज जनों में खुशी की लहर है। तो अब दोबारा से हम ये चाहते हैं कि जो बरेलवी अकायद के हैं वो बरेलवी अकायद पे चलें, जो देवबंदी अकायद के हैं वो देवबंदी अकायद पे चलें। आपस में लड़ना नहीं है, ना कोई मसला करना है। अब एक जरूरत इन लोगों ने, जो भी 6 तारीख को काजी बन के आए थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड को, काजी कमेटी को शायद कुछ गलत शिकायत करी। क्या की के गुना शहर में देव बरेलवी अकायद के जितने लोग हैं उनका निकाह नहीं पढ़ाया जाता है, तो निकाह पढ़ाने की साहब जो है परेशानी है, इस तरह की झूठी शिकायत की। जबकि ऐसा नहीं है, सभी मस्जिदों के जो इमाम है वो अपनी जो लड़की वाला लड़के वाला जिसे बुलाता है, निकाह सबका हो रहा है, देवबंदी अकायद वालों का भी हो रहा है, सुन्नी अकायद का भी हो रहा है। ऐसा कोई मसला नहीं था, गलत जानकारी दे करके वो बन के आ गए। हम लोगों ने इसमें आपस में इत्तेफाक किया, मीटिंग की और वो आज उनको हटा दिया गया है। अब नायब काजी बरेलवी अकायद का बने ये सब चाहते थे, तो उस हिसाब से मशवरा किया है जिससे ये निकाह खानी का जो मैंने झूठी शिकायत की है वो दूर हो पाए। इस शिकायत को दूर करने के लिए गुना शहर में जो है एकता रहे, सब मुसलमान एक होकर के रहें, अपनी परेशानियों से लड़ें, और एक होकर के ही लड़ा जा सकता है। हालात सबको मालूम है, उस पर रोशनी डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए मशवरे में अब आज नायब काजी का जो है चुनाव करना है, हम और आप सब लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, बाकी जो है मशवरा जो होगा वैसा होगा। मुझे बस इतना ही कहना था। अस्सलाम वालेकुम। तब्बी खान की रिपोर्ट।